हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टेक्स प्लेस विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दैट इज वो रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता, और गैमेट्स के फॉर्मेशन और फ्यूजन के बिना ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म इज फिशन, बेसिकली बाइनरी फिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स into two or more than two young individual. That is, एक ऐसा asexual mode of reproduction जिसमें किसी parent की body दो या दो से ज़्यादा offsprings में split हो जाती है, fission कहलाता है। Fission basically दो प्रकार का होता है, binary fission and मल्टीपल फिशन। एज द नेम इंडिकेट, बाई इज इक्वल टू टू, दैट इज अ फिशन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इन टू टू यंग इंडिविजुअल टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। एंड द फिशन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और फॉर्म मोर देन टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनरी फिशन में द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज द न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल। बाइनरी फिशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बैक्टीरिया एंड अदर लोअर ऑर्गेनिज्म। इट इज द सेल मेम्ब्रेन cell wall made up of peptidoglycan, basically it is the genetic material. First of all, the genetic material of the bacteria or the organism starts to divide. Sabse pehle bacteria ka aur kisi bhi organism ka jo genetic material hai wo divide hona start hota hai. Aur dheere dheere wo do भागों में डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल है, वो भी दो भागों में डिवाइड होने लगती है। बैक्टीरिया की बॉडी दो यंग इंडिविजुअल में डिवाइड जाती है। यानी कि बाइनरी फिशन में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है या न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो भागों में बनाता है, और अब जो सेल है वो भी डिवाइड होने लगती है और वो दो यंग इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाती है। मल्टीपल फिशन में द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इंटू मोर देन टू यंग इंडिविजुअल। जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस कई भागों में डिवाइड होगा और बाद में एक सेल से, एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे यंग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, अमीबा एट्सेट्रा में होता है, जबकि मल्टीपल फिशन अमीबा और प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट वन इज जो हमको पढ़ना है, इट इज कॉल्ड बडिंग।
बडिंग मींस, बडिंग में द बडिंग इज कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ पेरेंट, फ्रॉम अ बड, लाइक फ्रॉम अ आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड बड. दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ यंग इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ बड फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड बडिंग. यानी कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ बाहर निकलेगी जिसे हम बड बोलते हैं, और वो बड आगे जाकर एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी. इट इज कॉल्ड बडिंग. बडिंग बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग. इंटरनल बडिंग को नॉर्मली जेम्यूल्स बोल देते हैं. पहले हम एक्सटर्नल बडिंग पढ़ते हैं. एक्सटर्नल बडिंग बेसिकली हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स जैसे सेल्पा एक्सेट्रा में होता है. तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फर्स्ट स्टेप में एक आउटग्रोथ बाहर निकलती है विच इज कॉल्ड बड. द फर्स्ट स्टेप इज एक आउटग्रोथ बाहर निकलती है विच इज कॉल्ड बड. सेकेंड स्टेप में ये बड में, इस बड में न्यूक्लियस की यानी कि जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा पार्ट ट्रांसफर हो जाता है. एंड थर्ड स्टेप में ये बड सेपरेट हो जाती है और आगे जाकर ग्रो कर एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है. दैट इज द मेन स्टेप ऑफ द बडिंग आर्ट. सबसे पहले एक छोटी सी आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी से बाहर निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं. सेकेंड स्टेप में जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा पार्ट निकलकर बड में ट्रांसफर हो जाता है, और उसके बाद बड सेपरेट हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और वो ग्रो कर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है. इंटरनल बडिंग जो जेम्यूल फॉर्मेशन है, जेम्यूल फॉर्मेशन बेसिकली स्पंज में होता है. तो स्पंज में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें आर्क्योसाइट्स बोलते हैं, जो उनके गैमेट्स भी बनाती है. आर्क्योसाइट सेल्स यहां पर इकट्ठा हो जाती हैं. अब पहले स्टेप में सबसे पहले आर्क्योसाइट सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, अडेयर टू ईच अदर, और इनके चारों तरफ स्पाइक्यूल्स जो इनका एक्सोस्केलेटन, सॉरी स्केलेटन बनाते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं और स्पाइक्यूल्स इनको प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देते हैं. And now this structure is called gemmule. अब gemmule इस ही condition में unfavorable condition को pass करते हैं, which is called perination. तो कुछ आर्कोसाइट cells इकट्ठा हो जाएंगी, adhere हो जाएंगी, और उसके चारों तरफ spicules जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर उसको protective covering देंगे, और ये unfavorable condition को ऐसे ही pass करेगा, which is also called perination. As the फेवरेबल कंडीशन कम्स बैक, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आती हैं, ये कवरिंग हट जाएगी और ये आर्क्योसाइट सेल एक नया ऑफस्प्रिंग, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स और प्रोपोग्यूल्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग. यानी कि स्पोर्स विशेष संरचनाएं हैं, विशेष स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोपोग्यूल्स कहलाती हैं, जो सीड की जगह यूज होती हैं नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में. तो प्रोपोग्यूल्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स. तो स्पोर्स विशेष स्ट्रक्चर्स होती है, प्रोपोग्यूल्स होती है, जो गैमेट से डिफरेंट होती हैं और नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं. गैमेट्स हमेशा फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर जायगॉट बनाते हैं. स्पोर्स कभी फ्यूज नहीं होते और वो डायरेक्टली जर्मिनेट होकर नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. स्पोर्स फॉर्मेशन बेसिकली एल्गी और फंजाई का करेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म ब्रायोफाइट्स में भी होता है और भी ग्रुप्स में हो सकता है. तो स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे जू स्पोर्स मोटाइल होता है, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होता है, एकाइनिड्स थिक वॉल्ड स्पोर्स हो सकते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स, ओइडियो, और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में. और बेसिकली स्पोर्स फॉर्मेशन कहाँ होता है, एल्गी और फंजाई में.
इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है रीजेनरेशन। कुछ साइंटिस्ट रीजेनरेशन को रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं मानते। रीजेनरेशन का मतलब क्या है? रीजेनरेशन के दो मतलब हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म से, स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म से होल ऑर्गेनिज्म बनना, या जो कट पार्ट है ऑर्गेनिज्म का, कट पार्ट कम्स वंस अगेन। यानी कि रीजेनरेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई पार्ट कटकर अलग हो जाता है, उसका दोबारा से आना, या किसी ऑर्गेनिज्म के छोटे हुए कटे हुए पार्ट से पूरा होल ऑर्गेनिजम्स का बनना, इट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। और जब कट पार्ट वापस आता है, इट इज कॉल्ड एपिमॉर्फोलेक्सिस। और जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी फुल बनती है एक छोटे से पार्ट से, तब हम इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस। तो एपी मतलब क्या होता है? बाहर। तो जब कोई कटा हुआ पार्ट बाहर दोबारा से आ जाता है, इट इज कॉल्ड एपिमॉर्फोलेक्सिस। और जब एक छोटे से पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, तब इसे हम बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस। तो रीजेनरेशन इज अ रिप्रोडक्शन और ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द कट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कम्स वंस अगेन, और द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड द लास्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। रीजेनरेशन बेसिकली आपको तीन जगह दिखाई देगा। हाइड्रा में सिलेंट्रेट्स है, प्लैनेरिया में प्लैटिहेलमिंथीज है, और मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्म्स में। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके, कौन कौन से? हाइड्रा, प्लैनेरिया और मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्म्स। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इंटू मैनी पार्ट्स। इसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कई पार्ट्स में ब्रोक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और हर ऑर्गेनिज्म हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू मेनी पार्ट्स, और हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। और बेसिकली ये फिलामेंटस एल्गी में होने वाला रिप्रोडक्शन है।